वेलकम टू माय चैनल वंडर ज्योति। और आप अगर मेरे चैनल में नया है तो मैं हूँ ज्योति। सो गाइस, क्या आपको पता है आज की वीडियो में क्या होने वाली है? ओप्स, मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ ना, जाहिर है आप लोगों को पता हो गई क्योंकि टाइटल जो पढ़ लिया आप लोगों ने, वैसे मुझे ही पता नहीं था। हाँ सच में यार, वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि किस टाइप के कंटेनर बनाऊँ मैं। प्लास्टिक का कंटेनर, ग्लास का कंटेनर, स्टील का कंटेनर, एल्युमिनियम का कंटेनर, कॉपर का कंटेनर या फिर गोल्ड और सिल्वर का कंटेनर। सॉरी यार, ये मजाक था, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि आज के वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस सोचा कि वीडियो बनाना है मुझे और मैंने कैमरा ऑन करके बैठ गई कैमरे के सामने, जो अपने मुंह में आया वो ही बोल दिया, जो अपने दिमाग में आया वो ही कॉन्टेंट बना लिया। सो आज मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रही थी, तो मैंने वीडियो देखते 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 देखा कि कुछ यूट्यूबर जो है कोरियन वायरल मेकअप पे वीडियो बनाया, उसे ट्राई किया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। फिर मैंने सोचा बहुत सारे यूट्यूबर ने ये ट्राई किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल भी है, सो वाई डोंट आई। तो इसीलिए मैंने आज बैठ गई मक्खन लगाया हुआ ब्रेड में दो बड़ा मक्खन लगाने के लिए। हर लड़की की तरह मुझे भी क्रश है कोरियन मेकअप पे, और मैं सिर्फ मेकअप के बात क्यों कर रही हूँ, मुझे क्रश है कोरियन हर एक चीज़ पे, चाहे वो कोरियन स्किन केयर हो, चाहे वो कोरियन मेकअप हो, चाहे वो कोरियन फैशन हो, चाहे वो कोरियन लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कोरियन खाना हो, मुझे हर एक चीज़ पसंद है कोरियन, लेकिन मैं फिर भी हूँ इंडियन और दिल से इंडियन। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं वंडर ज्योति। सो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या शक चुन्नी? Oh, no. पसंद नहीं आया ना मेरे मजाक, मुझे पता है। तो आप सच में है नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वंडर ज्योति। और आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कुछ कोरियन मेकअप हैक्स जो कि मैंने अभी किया हुआ है। मुझे क्या लग रही है कोरियन गर्ल की तरह? हाँ हाँ, जरा कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे कोरियन गर्ल की तरह लग रही है या नहीं। टूट गई यार, तो इस टूटा हुआ चीजों से कम चलाना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा चीजें वेस्ट नहीं कर सकती मैं। हम लोगों को चाहिए एक ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल, मेरे पास है तो ऐसे लग रही है मेरे आईब्रो। आई थिंक जिसका आईब्रो थ्रेडिंग किया हुआ है ये शेप उन पे ज्यादा अच्छा लगेगी, उसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा वरना ये एकदम से झटक से फटक से ये आप बिल्कुल कर नहीं सकते। फिर भी ये अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा शेप बन चुके हैं, 10 out of 5 देना चाहूंगी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इस हैक को ट्राई करने के लिए कंसीलर पूरे फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा, सो मेरे पास बस ये है, इसी से ही अपना कम चलाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब यूज करूंगी मैं फाउंडेशन, ये है मेरा फाउंडेशन। इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे पेंट करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, निकलो यार, खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी तक कितना है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है। तो यहाँ से करते हैं, पुराने जमाने में जंगली मानव जो थे उन लोगों के पास मेकअप नहीं था करने के लिए, तो वो क्या करते थे कि कुछ काला सफेद सा लेके मेरे तरह ड्रॉ करते थे। तो मुझे बस वैसा वाला फीलिंग आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कोई जंगली मानव हूँ और मेकअप करना चाहती हूँ, तो इसीलिए ऐसे अपने फेस पे। तो मेरा फेस पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। ये है मेरा ब्लेंडर और ये गीला है बिल्कुल ही। इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इतने देर से जो हमने अपने फेस पे इतना पेंटिंग किया है, पेंटिंग करते करते तो ये इतना अच्छा फाउंडेशन हो ना, वो भी सूख जाएगा। What the hell? अरे फेस का मेकअप जाके यहाँ पे जमा हुए है क्या? तो ये फाइनली मेरा मेकअप ब्लेंड हो चुका है। बहुत ही मेहनत से मैं अपना मेकअप ब्लेंड किया है। मेरे ख्याल से ये एक बेकार सा हैक है, इसे सिर्फ वीडियो में देखने में ही सुंदर लगती है, रियल लाइफ में इसका जो असलियत है बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा गंदा है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पूरे फेस पे चंदन का तिलक लगाते लगाते ये पूरे फेस का मेकअप बिल्कुल ही सूख जाते हैं। उसके बाद चाहे आपका ब्लेंडर गीला हो या पीला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे हुआ है, आप लोग देखा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला हैक 10 में से 3 देना चाहूँगी। गाइस कोरियन लोगों की तरह मुझे भी अपना ये जो जॉ लाइन है एनहांस करना मुझे भी बहुत ही पसंद है। आईब्रो पेंसिल या फिर लिप पेंसिल कुछ भी ले लो, लेकिन कलर होना चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो आई डोंट नो ये वर्क करेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। बन गई ना मेरे मुझे बिल्कुल ही अच्छे से। अब सिर्फ यहाँ से लगाना पड़ेगा तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए लूडो की कोट। अगर आपको लूडो खेलने में दिक्कत हो तो मेरे फेस पे आप लोग खेल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही लूडो की कोट जैसे ही बन गए ना। हाँ अच्छा, तो इसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा ये वाला लाइट कलर जो है। लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये फाउंडेशन वाला हैक से ज़्यादा अच्छा है। मैंने जैसा सोचा था कि ये ब्लेंड नहीं होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, ये ब्लेंड हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, अगर कहीं पे काला मार्क्स रह जाएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। सो 10 out of 7 देना चाहूँगी। गाइज मैं ना बहुत बार देखी हूँ इंस्टाग्राम में यंग गर्ल जो है उसका आईब्रो कलर किया हुआ है। मुझे पता नहीं ये लोगों का कलर ब्रू इतना ज़्यादा क्यों अच्छा लगती है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग करते हैं और बस, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी चले गए ट्राई करने में।
सो दिस इज माय लुक गाइस लिपस्टिक लगाने के बाद। तो गाइस मेरे पास लकीली ये ब्राउन कलर का क्या कहते हैं ब्राउन कलर का लिप पेंसिल है, लेकिन ये थोड़ा लाइट है कलर में। तो ये हो गया, अच्छा लग रहा है ना मुझे। जब से अगर मैं बाहर जाऊंगी तो और भी अच्छा लगेगा ना मुझे। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा लिपस्टिक वाला हैक से भी बहुत अच्छा, ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि नोज इतना अच्छे से कंट्रोलिंग हो गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना अच्छे से कंटूर हो जाएगा। इसके पास कंटूर नहीं है या जिसको मेकअप करना ज़्यादा अच्छे से नहीं आती वो भी ये हैक ट्राई करे तो बहुत ही आसानी से अपना नोज़ को कंटूर कर सकते हैं मेरे तरह। मेरे पास ये रेडिश ब्राउन कलर पेंसिल थी तो इसीलिए थोड़ा सा रेड रेड बन गए। अगर आपके पास डार्क मैरून कलर की लिप पेंसिल है तो बहुत ही अच्छे से सच में आपका नोज़ कंटूर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा हैक है, तो मैं तो इसको 10 में से 10 देना चाहती हूँ। गाइज आप कितना देना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलियो। नेक्स्ट जो है कि इसे ट्राई करने के लिए आपको चाहिए कंटूरिंग पेंसिल, ये तो मेरे पास बिल्कुल भी है नहीं। और जो है ये लिप पेंसिल है लेकिन इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक लिप पेंसिल है, लिप को आई में कैसे यूज़ करें। तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगी ये पैलेट में से, अरे खुल जा यार, ब्राउन कलर का आई शेडो। वेरी नाइस, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, एकदम परफेक्ट टियर डक्ट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है गाइज ये इतना अच्छे से बन गए, मतलब मैंने सोचा नहीं कि सच में ऐसा टियर डक्ट बन सकते हैं वो भी इतना आसानी से। मैं इसे 10 में से फिर भी 10 देना चाहूँगी क्योंकि ये सच में बहुत ही अच्छा एक हैक है। अगर आपके टियर डक्ट नहीं है और आप टियर डक्ट बनाना चाहते हैं तो इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा ही लग रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं आया इसमें। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा फाउंडेशन और अप्लाई करना है अपने लिप्स पे। पहले से थोड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये भी वर्क करा लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं। तो इसलिए मैं इसको देना चाहूँगी 10 out of 8। सो हेयर इज माई फाइनल लुक गाइज, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने कोरियन मेकअप ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जेट कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल्ड्रेन तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।